उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनके ही मंत्री मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ऐसा बयान आया है जो योगी को बिल्कुल रास नहीं आएगा। कैबिनेट मंत्री वो योगी सरकार में है और तारीफ मायावती सरकार की कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मायावती के शासनकाल में कार्यपालिका अनुशासनात्मक कार्य करती थी और उस पर मायावती कड़ी नजर रखती थी। भाजपा मंत्री ने ये भी कहा कि योगी सरकार में अधिकारी राज्य सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते, यानी कहीं ना कहीं बड़ा बयान दे दिया है जिससे योगी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मायावती शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी मायावती के बेहद करीब रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बसपा से किनारा करते हुए मायावती के व्यवहार से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2007 में वो मायावती के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अब वो योगी सरकार में मंत्री हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, वो वाकई बीजेपी को रास नहीं आएगा। देखना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस मंत्री पर क्या एक्शन लेंगे। इस खबर को शेयर करना मत भूलिए, साथ ही हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।